हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग अध्ययन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण कैसे कोई क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू ई टू द पावर 2x स्क्वायर ब्रैकेट में 4 sin 3x प्लस 7 cos 3x। आप लोग क्लास 12th में अध्ययन कर चुके हैं कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतना बार हमको अवकलन करना पड़ता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हिंदी में स्वेच्छाचर कहते हैं। तो इसका ट्रिकी मेथड है ये, देखिए ये दिया है वाई इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है ए साइन एन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एन एक्स। तो इससे तुलना करेंगे तो ई टू द पावर एम एक्स यहाँ पर है ई टू द पावर 2x, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ए साइन एन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एन एक्स, यहाँ तुलना करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका जो है कि हमको क्या करना है, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो बस इसी में क्या करेंगे, इसका जो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर देख रहे हैं, इसी में पुट कर देंगे। m और n की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx2 माइनस, यहाँ देखिए माइनस 2m dx ऑफ y है, तो m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 जाए क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 dx ऑफ y प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। और n का स्क्वायर n इज इक्वल टू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही इसका क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो विद इन 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका यही ट्रिकी मेथड है। दूसरे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा।